आपका माउस आपके गेमिंग या एडिटिंग में आपकी कितनी हेल्प कर सकता है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कितने बटन्स और कितनी डीपीआई वो यूज़ करता है। जितने बटन्स ज़्यादा होंगे उतनी ही आप शॉर्टकट बना सकते हैं, उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। बट जनरली मार्केट के अंदर आपको 6 बटन माउस ही देखने को मिलते हैं। 3 बटन माउस आमतौर से हर जगह पर अवेलेबल है, बट रिसेंटली अमेजन की तरफ से अमेजन बेसिक्स 8 बटन माउस लॉन्च किया गया है। ये अमेजन के ऊपर अभी अवेलेबल है, मैंने इसको परचेज किया है मेरे वीडियो एडिटिंग के लिए। अब इसके अंदर कैसी फीचर्स होंगी, कैसे काम करेगा, इसकी प्रोज कौन, सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखते हैं आपके काम में ये माउस आपकी कितनी हेल्प कर सकता है, चलिए देखते हैं। वेल, अमेजन की तरफ से नया माउस लॉन्च किया गया है और वो आपके सामने है। अमेजन बेसिक्स वायर्ड माउस है। कुछ खास चीज़ें हैं इस माउस के अंदर। सबसे खास चीज़ तो पहले आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लीन है। शायद इन्होंने अभी सोचा नहीं है इसके ऊपर डिज़ाइन क्या बनाया जाए, इसीलिए ऐसा क्लीन दे दिया। इस तरफ से भी क्लीन दे रखा है, सिर्फ नीचे ये नाम लिखा है। इस तरफ से देखा जाए तो पूरा भर भर के जो इतनी चीज़ें थी वो सारी इसमें लिख दी, जितनी उनको याद आई वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, भूल गए थे वो भी लिख दी। और यहाँ पर आप देखिए कीमत देखेंगे तो आँखें खुली की खुली रह जाएंगी, 3000 रुपये, इतने का नहीं है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ख़रीद लेना, इससे काफ़ी कम प्राइस का है। वेल, और इस साइड पे देखें तो इस साइड तो देखिए यहाँ पे इसने ये तो लिख दिया, यहाँ पे ये भी भूल गए, या पता नहीं है, काफ़ी कॉस्ट कटिंग बचाने हैं, बचा रहा, सब कुछ बचा रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा, क्या है इसके अंदर? सिर्फ यहाँ से पता चलता है कि वायर्ड माउस है, उसके अलावा कोई डिटेल्स कहीं पे कोई चीज़ नहीं है। डिब्बे में कुछ भी हो सकता है, वैसे डिब्बा इसी तरह का मिला है मुझे, कुछ सील इसके ऊपर नहीं मिली, डिब्बा इसके अंदर से निकला तो इसी तरह का, मैंने अभी तक ओपन करके नहीं देखा, सीधा आपके सामने ही ओपन करूँगा इसको। चलिए यहाँ से थोड़ा सा खुला हुआ है, यहीं से ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। चूहा निकलेगा, अरे वाह, एक तो ये चूहा है और इसके नीचे, और इसके नीचे एक ये है, ये यूजर मैनुअल है। वाह, यहाँ से आके पता चलता है हमें कि कई इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं। माउस ये सिंपल चूहा नहीं है, ये चूहा कुछ इस तरीके से नज़र आता है, नया है, लेटेस्ट है, बट ऐसे नज़र आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी क्वालिटी आपको दिखने वाली है। वेल, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी केबल की। तो यहाँ पे नायलॉन ब्रेडेड केबल है, काफ़ी अच्छी केबल दी गई है, लेंथ काफ़ी अच्छी है, बाद में और सारी चीज़ें भी देखेंगे। पहले इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ से और आपको दिखा भी देता हूँ क्वालिटी कैसी है इसकी। अच्छा भाई, और यहाँ पे देखिए ये USB टाइप का है, वो सिंपल USB माउस ही तो चलाना है, उसमें कोई खास बात नहीं। ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ से आपको कंट्रोल पूरा देती है, इसमें कोई सिग्नल्स को वीक नहीं होने देती, यानी सिग्नल्स को ख़राब नहीं होने देती और आपकी कोड को भी ठीक रखती है। पर लेंथ काफ़ी अच्छी है इसकी। अब देखते हैं इसके अंदर क्या, इस चूहे के अंदर क्या है, कैसा चूहा है। सबसे पहले यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है अमेजन बेसिक्स की, इस तरीके से नीचे की तरफ देखा जाए तो गेमिंग टाइप से बनाया गया है यहाँ पे, और ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 4, इन 4 सतहों पर से और एक ये सरफेस जो आपको दिखाई दे रहा है, इन पर से ये आपका जो माउस पैड है उसके ऊपर रखा जाएगा, सो दैट की मूवमेंट स्मूथ रहे। अब उसके बाद यहाँ पे अब देखते हैं ऊपर की तरफ से दोबारा से, यहाँ पे देखा जाए तो ये व्हील दिया गया है, व्हील के अंदर ही बटन भी है, इस तरीके से आवाज़ आपको शायद नहीं आ रही होगी, इस तरीके से एक बटन ये है, दूसरा बटन, तीसरा बटन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और 8th, 8 बटन का माउस। बाकी ये कलर आप देख सकते हैं, ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। इस माउस के ऊपर 5 बटन आपको थंब साइड में ही नजर आएंगे। पहले 2 बटन DPI चेंज करने के लिए हैं और 2 बटन से आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो तीसरा बटन दिया गया है इसकी हेल्प से आप डबल क्लिक कर सकते हैं, ये बटन आप अंदर की तरफ प्रेस करेंगे इस तरीके से, मैं और अच्छे से दिखा रहा हूँ, आप इनको इस तरीके से प्रेस करेंगे। इन बटन्स को अंदर की तरफ प्रेस नहीं करना है, इन बटन्स को आपको नीचे की तरफ प्रेस करना है इस तरीके से, वेरी गुड, और इन बटन्स को आपको नीचे की तरफ उठाएं। तो आप इस तरीके से अगर हाथ में रख के इन बटन्स को ऑपरेट करते हैं, 3 बटन आपके हाथ में रहेंगे परमानेंट। ये देखिए काफ़ी स्पीड काफ़ी हाई रहेगी उससे बटन प्रेस करने की, क्योंकि ये तीनों बटन आपके, ये 3 बटन अंगूठे से, ये 3 बटन आपके अंगूठे पर रहेंगे और यहाँ से ये राइट क्लिक और ये इस तरीके से, तो काफ़ी फास्ट स्पीड आप इसके थ्रू गेन कर सकते हैं। अगर सही मायने में कहा जाए तो ये 2 बटन तो काम के हैं, परंतु डबल क्लिक का बटन,
इस जगह पे ठीक नहीं है, क्योंकि डबल क्लिक करने में इतना ज़्यादा समय नहीं लगता और इस बटन को आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। अब बची इन दो बटन की बात, तो यहाँ पे ये दोनों DPI चेंज करने के लिए दिए गए हैं, जिसको सॉफ्टवेयर डिटेक्ट नहीं करता। कोई भी ऐसा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो माउस के बटन्स को कंट्रोल करता है, वो इनकी फंक्शनैलिटी को भी चेंज नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तीन बटन यहाँ पे यूजलेस हैं। बट जहाँ पे अगर आप गेमिंग करते हैं, तो गेमिंग के केस में इन बटन्स की बात करें तो ये काफ़ी इजी हो जाते हैं। अब इन हैंड फील की बात करें, तो जैसे ही आप इसके माउस के ऊपर हाथ रखते हैं तो ये पूरी तरह से आपकी ग्रिप के अंदर आ जाता है और मूव करना इसको काफ़ी ईजी है। बट जैसे ही आप इस माउस को आगे पीछे करते हैं, अगर आप हाथ उठा के इस तरीके से करेंगे तो आप इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं, बट यदि अगर आप हाथ रख के इस तरह से करेंगे तो इसके बटन्स आपके उंगली से काफ़ी दूर चले जाते हैं, तो इसलिए आपको हाथ उठा के फिर से वहाँ पे आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये गेमिंग के लिए ठीक है अगर आप इस तरीके से करते तो, बट अदरवाइज़ आप बार बार इसको माउस को इस तरीके से खींचेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लेंथ इसकी, तो ये लेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये आपको कंफर्टेबल नहीं रहेगा अगर आप बार बार इस तरीके से माउस को आगे पीछे मूव करते हैं। यहाँ पे की क्लिक्स की बात करें तो बहुत इजी है, नॉइस कम है, बट यहाँ पे क्लिक की साउंड आपको नज़र आती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी इजीली कीज़ जो हैं वो क्लिक हो जाती हैं, बहुत स्मूथ हैं, और आप जब माउस को इस तरीके से घुमाते हैं तो थोड़ा सा वेट वजह ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ये थोड़ा सा भारी आपको महसूस होता है। जिनके हाथ छोटे हैं या फीमेल्स की बात करें तो उनके लिए इस माउस को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसकी लेंथ की वजह से। वेल, अमेजन बेसिक्स की तरफ से आने वाला ये माउस आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, और क्या आप इस माउस को परचेज करने वाले हैं? यदि परचेज कर रहे हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और अभी क्योंकि सेल स्टार्ट होने वाली है तो इसका प्राइस ड्रॉप होगा। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस 8 बटन अमेजन बेसिक माउस को परचेज कर सकते हैं। अभी इसका एक्सपीरियंस मैं अपने विंडोज के साथ जब यूज़ करूँगा अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर, तो वहाँ पे भी बताऊँगा कि किस तरीके से इसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं और किस तरीके से आप इस माउस को यूज़ कर सकते हैं अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स आदि के लिए। वेल, तो ये थी इंफॉर्मेशन इस माउस के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।